हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। हैप्पी रामनवमी टू ऑल ऑफ यू। ये व्लॉग है कल का, यानी कि अष्टमी। हम लोगों ने पूजा किया था अष्टमी में, शायद आप भी कंजिका करते होंगे ना। तो मम्मी ने सुबह में जो पूजा का सामान होता है ना, यानी कि चने और हलवा वगैरह और व्रत की पूरियाँ, व्रत एज इन पूजा का जो पूरियाँ होती हैं, हमारे यहाँ पे फीकी पूरियाँ निकालते हैं, उसमें नमक नहीं डालते, तो वो मम्मी ने कर लिया था। और उसके बाद जो रिमेनिंग खाना है, यानी कि जो हम लोग खाएंगे बेसिकली लंच एंड ऑल, वो मैं यहाँ बना रही हूँ। तो बचे हुए आटे से जो पूरियाँ हैं, जो नमक डालकर बाद में बनाई थी मैंने, मैं वो पूरियाँ फुला रही हूँ। और उसके बाद जो थोड़ा बहुत रहेगा आगे काम, वो मैंने यहाँ हैंडल कर लिया है। मम्मी लग गई है पूजा के काम में। ये है कल का दाल। तो दाल बच गया था, तो मम्मी ने कहा कि इसको मतलब आटा डाल के इसकी पूरियां बना सकते हैं। वैसे मैं भी खुद दाल का पराठा, रोटी पूरी वगैरह करती हूँ, पर ये ना थोड़ा दाल की पूरी जैसा टेस्ट देता है। तो ये मूंग का दाल था, मैंने इसमें आटा डाल के आटा लगा लिया है और इसकी पूरियां कर लेंगे। और ये है कंजिका प्रसाद। मम्मी ने अभी जो माहौल है ना, उसमें बच्चों को घर में नहीं इकट्ठा कर सकते, पेरेंट्स भी ससेप्टेबल होते हैं। इनफैक्ट हमें खुद भी अपना ध्यान खुद ही रखने की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने ऐसे बस पूजा करके निकाल दिया था, बाद में मंदिर में भिजवा दिया था। और ये मैंने बनाए थे थोड़े से कद्दू, जो दाल की पूरियाँ बनाई थी उसके साथ खाने के लिए कद्दू अच्छा लगता है। एंड देन क्लीन अप, ये तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है ही। एवरी टाइम यू कुक फूड, तो चाहे इमीजिएटली साफ़ कीजिए, चाहे थोड़ा ठहर के साफ़ कीजिए, किचन साफ़ करना ही होता है। अदरवाइज़ फिर अगली बार काम करने में बिल्कुल नानी याद आ जाती है, ना बर्तन साफ़ मिलेंगे, ना किचन में जी लगेगा, गंदी किचन होती है। तो मेरे बर्तन सब धुल चुके हैं, किचन भी मैंने साफ़ कर लिया है, रेडी फॉर इवनिंग। और अभी जाके मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, मम्मी भी बहुत थक गए हैं, वो भी थोड़ा आराम करेंगे। मैंने बनाया था ना सौंफ का शरबत, एकदम ही इजी वाली इंस्टेंट रेसिपी है, आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। गर्मियों में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। यहाँ मैंने 4 चम्मच सौंफ लिया है। इसके बाद डाले हैं मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी हरी वाली इलायची, थोड़ा सा नमक, और जितना आपने सौंफ लिया उसका 1.5 गुना चीनी डाल सकते हैं आप। इस आप चाहें तो इसमें खड़ी साखर होती है ना, या मिश्री, वो भी डाल सकते हो, जो धागा मिश्री होती है वो भी डाल सकते हो। मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने शुगर डाल दिया है। और इसको बिल्कुल ही फाइन आप पीस लीजिए। और उसके बाद जब भी आपको शरबत पीना है, 1 से 1.5 चम्मच ये पाउडर एक बड़े ग्लास में डाल करके मिक्स कर लीजिए, और इसके बाद आप इसको ना सर्व कर सकते हो। ये गर्मी में बहुत अच्छा है, सौंफ की तासीर ठंडक होती है, तो गर्मी में आपको बहुत ठंडक मिलेगी। इससे टेस्ट भी अच्छा होता है, थोड़ा थोड़ा ठंडाई जैसा टेस्ट होता है इसका। तो एक टॉल ग्लास में मैंने थोड़ा आइस डाला है, और इसके ऊपर ये जो शरबत मैंने मिक्स करके रखा था ये स्ट्रेन करके डाला हुआ है। और ये हो गया आपका सौंफ का शरबत तैयार, और ये एकदम ही इंस्टेंट वाला रेसिपी है। मैं बना रही हूँ पाव भाजी आज डिनर में, और पाव भाजी के मैंने पहले भी कई रेसिपियाँ आपके साथ शेयर की हैं, ये एकदम ही अलग वाली है, बहुत ही क्विक वाली है। तो मैंने यहाँ पे कुकर के अंदर है ना, ये बहुत छोटा सा पत्ता गोभी था वो काट कर डाल दिया है, ऐसे रफली ही काट दिया है। थोड़े से ये मटर मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। पत्ता गोभी अगर आप बड़ा ले रहे हो तो आधा ही लीजिएगा, एंड इट डिपेंड्स कि आप कितने मेंबर्स के लिए बना रहे हैं, तो उस हिसाब से आप ले सकते हो। और ये 3 टमाटर मैंने इस क्वांटिटी के हिसाब से ले लिया है, और इनको भी थोड़ा मोटा मोटा काट कर ही मैं अभी यहीं पर ऐड कर दूँगी। मैंने कुकर के अंदर कोई भी ऑयल, बटर वगैरह नहीं डाला है, अभी ये सब्जियां कुक करनी है। मैंने यहाँ दो तीन आलू ले लिए हैं काट करके, कच्चा ही है सब कुछ। थोड़ा नमक डालकर मैं इसको प्रेशर कुक कर लूँगी, तब तक जब तक कि बेसिकली आलू सॉफ़्ट हो जाएं, और अच्छे खासे सॉफ्ट, यानी कि आप 3 से 4 सीटियाँ ले सकते हो। फिर प्रेशर ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाने के बाद मैंने लिड खोला है, सारी सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी तरह से पक चुकी हैं। मैंने इसमें पत्ता गोभी डाला है, आप चाहें तो फूल गोभी भी डाल सकते हो, थोड़ा गाजर डाल सकते हो, बीन्स डाल सकते हो,
चाहे तो पम्पकिन डाल सकते हो। आपको जो सब्ज़ियाँ पसंद आती हों, जो अवेलेबल हों, ये बेसिकली एकदम ही जुगाड़ वाला पाव भाजी है जो बहुत ही यमी बन जाता है। तो मैं ये सारी सब्ज़ियाँ जो सॉफ्ट पक चुकी हैं इसको अच्छी तरह से अभी मैश कर लूँगी पोटैटो मैशर की हेल्प से, और थोड़ा सा चंकी रहेगा तो बेहतर है। लाइक मोटे मोटे चंक्स नहीं होने चाहिए, बट एकदम ही स्लरी भी नहीं होना चाहिए जैसे मिक्सी कर दिया हो, ऐसा नहीं। थोड़ा सा टेक्सचर रहेगा तो पाव भाजी अच्छा बनता है। मैंने एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला है और थोड़ा बटर, बटर ही चाहिए बेसिकली, बट ऑयल बटर के सपोर्ट के लिए, अदरवाइज बटर जल जाता है। देन मैंने यहाँ पे ये 2-3 प्याज को नाइफ से ही बारीक काट कर ऐड कर दिया। आप चाहें तो इसे चॉपर में चॉप करके ले सकते हो। प्याज लाल नहीं करना, थोड़े ट्रांसलूसेंट से हो जाएंगे, विल्ट डाउन हो जाएंगे, तो ऐड कर दीजिए। इसमें एक कैप्सिकम, ये भी मैंने नाइफ से ही बारीक काट कर यहाँ पर ऐड कर दिया है। ये भी थोड़ा सा सौते हो जाएगा तो ऐड कर दीजिए। टमाटर, ये भी 2-3 टमाटर हैं। और अब ये सारी चीज़ें थोड़ी देर हमको भूनना है, बिल्कुल पकाना नहीं है। थोड़ी सी देर भूनने के बाद डाला है मैंने नमक, लाल मिर्ची, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर, ज़रा सा गर्म मसाला, कसूरी मेथी, और यह है पाव भाजी मसाला। और इसके बाद सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब आपको इसको भूनना है, और भूनना तब तक नहीं है जब तक ये सारी सब्ज़ियाँ बिल्कुल ही सॉफ्ट पक जाएं, बल्कि तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से थोड़ा सा ऑयल ऊज आउट आपको लगने लगे। सब्ज़ियाँ थोड़ी सी ड्राई लग रही थी मुझे, तो मैंने ज़रा सा पानी डाल दिया है, ऑप्शनल है। आपको ड्राई नहीं फील हो रहा तो मत डालिएगा। इसे भूनिए तब तक जब तक इसमें से तेल दिखने लगे। और आप देखिए अभी रेड रेड ऑयल जैसा दिख रहा है, तो जो मैंने सब्ज़ियाँ मैश करके रखी हुई थी वो मैं यहाँ पर अभी ऐड कर दूँगी। सब्ज़ियाँ ऐड कर दीजिए, अच्छी तरह से चीज़ों को मिक्स कीजिए। थोड़ा सा इस दौरान भुनाई भी हो जाएगी 2-3 मिनट तक, तो बहुत अच्छा देखिए कलर निकल आया है। इसलिए कश्मीरी लाल मिर्ची डाली थी, पर ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो उसे भी अवॉइड कर सकते हैं। पर थोड़ा सा रेड रेड पाव भाजी होती है ना तो अच्छी लगती है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी ना कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए डाल दिया है, और अभी थोड़ा सा बटर डाल के इसको पकने रखेंगे। 5-10-15 मिनट भी आप इसे पकने दे सकते हो। और जब आपको लगे कि आपकी पाव भाजी ऐसी तैयार होगी जैसी आपको पसंद हो, मैं बेसिकली कंसिस्टेंसी की बात कर रही हूँ, तो बस आप गैस बंद कर सकते हो। पाव भाजी जो बाहर मिलती है वो थोड़ी सी रनी ही होती है, बहुत गाढ़ी गाढ़ी भाजी अच्छी नहीं लगती। तो मैंने थोड़ा सा रनी ही रखा है भाजी को। ऐड करूँगी मैं इसमें हरा धनिया काट करके एज फाइनल इंग्रेडिएंट, और ये हो गया है मेरा भाजी तैयार। आपने देखा इसका जो प्रोसेस है वो कितना सिंपल है, एकदम ही इजी वाला है, कोई भी आराम से बना सकता है। और इसमें सब्जियां भी कोई हाईफाई नहीं है, यूजुअली ये सभी हमारे घर में होती हैं, तो आप जब चाहें पाव भाजी बना सकते हो। लुक एट दिस, कलर भी अच्छा आया है, टेस्ट भी अच्छा था। भाजी इज़ रेडी, पाव तैयार कर लेंगे। थोड़ा बटर मैंने डाला है तवा पे, और थोड़ा पाव भाजी मसाला, आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर और थोड़ा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर आपके जो पाव है उसको बीच में से काट के इस तरह से स्मीयर कर दीजिए बटर के अंदर और सेक लीजिए, और आपके पाव भी हो चुके हैं तैयार टू सर्व पाव भाजी। मैंने भाजी के ऊपर डाला है थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया, इसके ऊपर थोड़ा नींबू भी डाला जाता है, तो मैं नींबू साइड में रख रही हूँ। मैंने थोड़े प्याज भी डाल दिए हैं, प्याज में भी नींबू डाल सकते हैं आप, भाजी पे भी नींबू डाल सकते हैं आप, जैसे आपकी मर्ज़ी, इसलिए मैंने नींबू काट कर साइड में ही रख दिया है। और ये हो गया है पाव भाजी तैयार। पाव भाजी के साथ प्याज ही सबसे अच्छे लगते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जैसे चाहें सैलड के साथ इंजॉय कीजिए आपका पाव भाजी। मैंने पाव भाजी में जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं डाला था, हरी मिर्ची भी नहीं डाली थी, आप चाहे तो डालिएगा, इससे पाव भाजी का टेस्ट थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। मुझे थोड़ा सा स्टफ़ नोज़ हो गया है, एसी की वजह से ऐसा हो जाता है ना, फिर थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा। तो आई वाज सेइंग कि कल की जो वीडियो गई थी उसमें मुझे बहुत सारे ही कॉमेंट्स मिले, बहुत सारे अच्छे और थोड़े से नॉट सो अच्छे। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, उसमें है ना मिक्स्ड तरह के कमेंट्स हैं। एक तरफ ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं कि आप लोगों का फैमिली देखकर अच्छा लगता है, बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, इतने ओपन माइंडेड आपके पेरेंट इन लॉज हैं, यू आर लकी टू हैव देम, एंड आप अच्छे बहू हो। ऑन दी अदर हैंड आई हैव कमेंट्स लाइक कि अच्छी बहू होने का दिखावा करती हो, और मम्मी पापा के बारे में भी लोग जिसका जो मन आता है बोल जाता है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, ये एक जनरल टेंडेंसी होती है, जिसकी जैसी सोच होती है उसको वैसा ही दिखता है। हालांकि नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग दिस
ऐसा नहीं है कि मैं कोई शिकायत कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी है ना अच्छा नहीं लगता, कितना भी आप इग्नोर कीजिए। जब मेरी मॉम मतलब मेरी मॉम इन लॉ वो सितार बजा रही थी, तो उसमें भी somebody रोड की नाटकबाजी करने बैठ गई, सितार पकड़ना तो सीख लो एंड ऑल दैट। आई मीन लाइक इस तरह के जो आप कमेंट्स लिखते हो उससे आपका क्या सोच है वही पता चलता है। मैंने कल के वीडियो में बिल्कुल ही क्लियरली कहा था कि हम लोग बिल्कुल पास में है मेरे पेरेंट इन लॉज का घर, और ये एक म्यूचुअल डिसीज़न है। कोई किसी को कुछ भी डिसीज़न लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हम लोगों ने सोच समझ के ये फैसला लिया है। जहाँ पर एक तरफ लोगों को ये सोच अच्छा लग रहा है कि मेरे पेरेंट इन लॉज कितने ओपन माइंडेड हैं, वो चीज़ें समझते हैं, विच इज़ लाइक वेरी यू नो प्रोग्रेसिव सोच का नतीजा है ये, वहीं बहुत लोगों को ये ठीक भी नहीं लग रहा। बट इट्स ओके, हमारे शूज़ में हमको जो सही लगेगा हम लोग वही डिसीज़न लेंगे ना। ऊपर से देखने में चाहे कैसा भी करेक्ट इनकरेक्ट जो भी हो, बट वी हैव टू लिव दैट डिसीजन। सो जो भी डिसीजन लेंगे सोच समझ कर ही लेंगे। ऑल्सो कुछ एक कॉमेंट्स थे सानवी खुशी के एक्सेंट के बारे में, प्रॉब्ली वो लोग हिंदी किस तरह बोलते हैं इस बारे में। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी वियर्ड तरीका है उनके बोलने का। मेरे हिसाब से उनका हिंदी भी और इंग्लिश भी एकदम ही नॉर्मल है। बहुत सारे लोगों ने, जब मैंने आप लोग के साथ ये शेयर किया, तो बहुत सारे लोगों ने इस यू नो डिसीज़न को अप्रिशिएट किया कि हाँ बहुत ही मच्योर डिसीज़न आपने लिया है। बट कुछ लोग रहते ही हैं जिन्हें अच्छा नहीं लगता। अब जब भी मम्मी पापा हमारे साथ अंडर वन रूफ है, तो देर आर सर्टन पीपल्स हुआ लाइक कि आप सोते कैसे हो, इतने छोटे घर में आपका गुजारा कैसे होता है। एंड व्हेन आई एम सेइंग कि मम्मी पापा ने अपना घर ले लिया, देन लाइक आप अंडर वन रूफ क्यों नहीं रहते, इतना भी छोटा घर नहीं है आपका। तो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन की सोच पर। हर सिनेरियो में कुछ ना कुछ किसी ना किसी को अच्छा या बुरा लगने का स्कोप हमेशा रहता ही है। और मैं आपको बताऊँ, मम्मी पापा का जो घर है ना, इट्स नॉट इवन 1 किलोमीटर, लाइक अंडर 1 किलोमीटर, इट्स वॉकिंग डिस्टेंस। तो हम लोगों ने सोच समझ कर ही एकदम ही नज़दीक लिया है प्रॉपर्टी, सो दैट वी कुड बी अवेलेबल टू ईच अदर ऑल द टाइम। ऑल्सो देयर वर कॉमेंट्स लाइक कि आपने पहले वीडियो क्यों ऐसा बोला कि मम्मी पापा आ गए हमेशा के लिए हमारे पास। तो मेरे ख्याल से में कुछ भी गलत नहीं है, वो हमेशा के लिए हमारे पास ही आ गए हैं, अब हम लोग साथ ही रहेंगे। लाइक अंडर वन रूफ रहे वही साथ रहना होता है, ऐसा तो नहीं है ना। हम लोग बहुत पास रहने वाले हैं फॉर ऑलवेज, इसी को तो साथ भी कहते हैं आई गेस। एंड मैंने कभी भी नहीं कहा कि हम लोग अंडर वन रूफ रहने वाले हैं। मैं बहुत टाइम से आप लोग को ये क्लियर करने की कोशिश भी कर रही हूँ कि हम लोग प्रॉपर्टी लेंगे। अभी देखिए, सपने से सब कुछ नहीं होता है ना, सिर्फ इच्छा करने से चीज़ें हो जाती है, वो तो फिर एक अलग ही बात होती है। इतना बड़ा प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है, और मैं कल की वीडियो में भी यही बता रही थी, आप लोगों से छुपा नहीं है हमारा हालात। अगर चीज़ें पहले जैसी होती ना, लॉकडाउन से पहले जैसे सब था मेरे घर में ना, तो डेफिनेटली हम लोगों ने लोन लेकर ये काम कर लिया होता। फ्यूचर भी देखना है। अभी एज आई वाज सेइंग इन यस्टरडेज वीडियो, अभी सर्वाइवल ज़रूरी है, लोन लेकर घर बनाना ज़रूरी नहीं है। वी आर वेरी 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 हैप्पी कि जो डिस्टेंस अराउंड 1100-1200 किलोमीटर्स था, इट हैज़ रिड्यूस टू नॉट इवन 1 किलोमीटर नाउ। तो इससे बड़ी हैप्पीनेस की बात क्या होगी। एंड देन फ्यूचर इज़ अनसर्टेन। फ्यूचर के बारे में मैं अभी से कुछ भी नहीं कह सकती। हो सकता है डाउन द लेन सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, तो शायद वी विल बी बाइंग अ बिगर हाउस जहाँ हम सभी रहेंगे अंडर वन रूफ। एंड आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर नाउ, एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू जिन्होंने हम लोगों का ये डिसीज़न, हमारे बड़ों का ये डिसीज़न अप्रिशिएट किया है। थैंक यू ऑल सो मच। बस इसी के साथ आगे इस वीडियो के एंड पर मैं ये वीडियो अभी एंड करूँगी। लूँगी आप सभी से इजाज़त, मैं मिलूँगी अब आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी रखें अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।